T20 वर्ल्ड कप के 9वें एडिशन का काउंटडाउन चालू है। यहाँ 1 जून से 20 टीमें शिरकत करेंगी, मगर भारत का खेला चालू होगा 2 जून को, क्योंकि इस बार T20 वर्ल्ड कप हो रहा है अमेरिका और वेस्टइंडीज में, जहाँ का समय जो है वो भारत से काफी पीछे है। भारत और अमेरिका की टाइमिंग में करीब 9 घंटे 30 मिनट का फासला है। इसी तरह वेस्टइंडीज के साथ भी समय का मसला है। तो क्या इसके लिए इंडियन फैंस को खराब करनी होगी अपनी नींद? इसी मुद्दे पर करेंगे वीडियो में आगे बात और जानेंगे कि आखिर क्यों रोहित शर्मा के साथ कोच राहुल द्रविड़ का हुआ है मूड खराब। हेलो, हाय, नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, हम हैं रौनक। और क्या हाल चाल है भैया, बताइए जरा। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना अभियान शुरू करने से पहले न्यूयॉर्क में ट्रेनिंग सेशन में जमकर पसीना बहा रही है, मगर कैप्टन रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए मौजूद औसत इंतजाम को देखकर खफा हो गए यार, ऐसा कैसे यूएसए वालों? खैर, रोहित और द्रविड़ सर ने बीसीसीआई को भी इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद बोर्ड ने इसकी शिकायत आईसीसी से की है। यूएसए में ट्रेनिंग की सुविधाओं में कमी के साथ साथ टीम को खाने पीने के भी अच्छे इंतजाम नहीं मिले हैं। भारतीय टीम से जुड़े एक सोर्स ने बताया है कि सब कुछ यहाँ टेम्पररी है, पिचों से लेकर बाकी दूसरी सुविधाएं भी टेम्पररी हैं, ऊपर से सारे इंतजाम यहां औसत दर्जे के हैं, और इसी मुद्दे पर टीम ने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। चलिए बढ़िया है, तैयारियों में कुछ भी गड़बड़ होने पर संचालक को खबर तो करनी ही चाहिए, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब संचालक यानी कि आईसीसी से इस संबंध में सवाल किया गया तो उसने कहा कि उनके पास इसकी कोई शिकायत नहीं आई है और न ही प्रैक्टिस सुविधाओं में कमी को लेकर कोई चिंता जताई गई है। हेलो, भारत ने फिलहाल न्यूयॉर्क के कैंडियॉक पार्क में प्रैक्टिस की है। भारतीय टीम इन कम सुविधाओं को लेकर इसलिए भी चिंतित होगी क्योंकि अपने T20 वर्ल्ड कप मिशन में ग्रुप स्टेज में शुरुआत के 3 मैच ही उसे न्यूयॉर्क में खेलने हैं। इसके बाद टीम चौथे ग्रुप मैच के लिए फ्लोरिडा रवाना होगी। भारत न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी में आयरलैंड, पाकिस्तान और मेजबान अमेरिका के खिलाफ मैच खेलेगा, उसके बाद उसे फ्लोरिडा में कनाडा के खिलाफ भिड़ना है। वैसे तो भारतीय टीम 14 सदस्यों और अपने रिजर्व खिलाड़ियों के साथ अमेरिका पहुंच चुकी है, मगर उम्मीद है कि आज टीम के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली भी टीम से जुड़ जाएंगे। भले ही आज के वार्म अप मैच में विराट नजर नहीं आए, मगर अब भी किंग के पास पर्याप्त समय है खुद को नए माहौल में ढालने के लिए। मगर इसी बीच भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या भरसक कोशिश कर रहे हैं खुद को मैच में फिट रखने की, लेकिन एक खबर के मुताबिक प्रैक्टिस सेशन के दौरान हार्दिक ने करीब 1 घंटे भर गेंदबाजी की और बल्लेबाजी का भी अभ्यास किया, और इस खबर पर फैंस ने हार्दिक के फिर से मजे लेने शुरू कर दिए और ये कहा कि भैया आराम से करो प्रैक्टिस, कहीं टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इंजरी ना हो जाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पूरे आईपीएल में फैंस के हाथों ट्रोल होने वाले हार्दिक पिछले कुछ समय से खराब दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेशन के दौरान जमकर पसीना बहा रहे हैं। हार्दिक ने इस दौरान बैट और गेंद दोनों से कड़ा अभ्यास किया। आईपीएल 2024 में मुंबई के लिए लगातार गेंदबाजी वो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने नेट्स पर अधिक समय गेंदबाजी की जिससे फिटनेस साबित की जा सके। गेंदबाजी के बाद हार्दिक ने नेट्स पर लंबे समय तक बैटिंग भी की। हार्दिक अंत में बैटिंग करने के लिए उतरे और उन्होंने बल्लेबाजी के कोच विक्रम राठौड़ से चर्चा भी की। हार्दिक आईपीएल 2024 सीजन के दौरान बैट और बॉल दोनों से प्रदर्शन करने के लिए स्ट्रगल करते दिखे और क्या परफॉर्मेंस थी वो सबको पता है। तो भैया T20 वर्ल्ड कप 2024 में कुल 55 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच मेजबान अमेरिका और कनाडा के बीच खेला जाएगा, जबकि फाइनल 29 जून को खेला जाएगा। बाकी 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है और भारत किस ग्रुप में है और कैसे इस ग्रुप से आगे निकलकर पहले सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक पहुंचकर हम ट्रॉफी जीत सकते हैं या नहीं, इसकी पूरी कैलकुलेशन हमने अपने नोपो चैनल पर वीडियो बनाकर डाली है। उस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिलहाल यहां से निकलते हैं, क्रिको पर क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम लाएंगे। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको, गुड बाय, जय हिंद।